try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. La 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 la. हेलो एवरी वन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल. तो टुडे इज 31st of January. तो अभी मुझे आज क्या करना है, थोड़ा सा क्लीन अप करना है. कल से नया मंथ स्टार्ट होने वाला है, सो आई एम जस्ट प्रेपिंग अप फॉर अ न्यू मंथ. अभी तक बर्थडे डिकॉर जो है ना, वो यहाँ पर एज इट इज़ लगा हुआ है. बलून्स की क्वालिटी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एक भी बलून फूटा नहीं है. सिर्फ ये ऐसे थोड़ी सी एक हवा निकली है, बाकी कोई बलून फूटा उठा नहीं है. तो यहाँ पर थोड़ा क्लीन करके वापस से घर ठीक कर लिया जाए. और भी आज मुझे, जो मैं आपको बता रही थी बर्थडे व्लॉग में, कि मुझे क्लीन अप करना है बहुत ज़्यादा अपना जो वार्डरोब है. मेरे वार्डरोब में इतना ज़्यादा स्टफ भरा हुआ है, तो मुझे वो सब कुछ डीक्लटर करना है. मैं अपना पूरा वार्डरोब भी एक तरह से वो करने वाली हूँ. येस, लेट्स स्टार्ट द डे. एंड हाँ, अब मैं गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से टच वुड चलाने लगी हूँ. मतलब ठीक ठाक अकेले ट्रैफिक में लेके चली जाती हूँ मैं आराम से. अब मुझे इतना डर नहीं लगता है. तो अभी मैं वो भी लेकर के जाने वाली हूँ. तो मम्मी, क्या मुझे जाकर के ना ये लेकर के आना है. उनको मीठी नीम चाहिए था और मेरे पास दो दो मीठी नीम है. और यहाँ ऊपर टेरेस पे भी मेरी मदर इन लॉ के पास लगी हुई है. तो एक जो मीठी नीम का प्लांट है वो मैं वहाँ पर देकर के आ रही हूँ घर पे. तो यस, पहले सोच रही हूँ पहले घर से होके आ जाऊँ, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करूँ. तो आई जस्ट टुक शावर एंड मेरा लंच वगैरह सब कुछ हो गया है. अभी इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना, कि जो हम लोग लंच है वो ऊपर टेरेस पे जा करके करते हैं. एंड आई ऑल्सो हैव टू शूट वन वीडियो एज वेल. क्योंकि 31st है, तो आई एम गोइंग टू यू नो फिल्म माई प्लानर. मैं थोड़ा सा अपना प्लानर फिल करूँगी और उसके साथ ही थोड़ा प्लान करूँगी नेक्स्ट मंथ मेरा क्या होने वाला है, क्या करने वाली हूँ मैं. और अभी मुझे कुछ प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं, पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ. सो मामाअर्थ ने अभी रिसेंटली लिप सीरम्स लॉन्च करे हैं. ये रेगुलर लिक्विड लिपस्टिक नहीं है, इनको लिप सीरम रीजन से बोला जा रहा है. क्राफ्टेड विद ब्राइटनिंग एंड हाइड्रेटिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड विटामिन ई. तो विटामिन सी ब्राइटनेस करता है आपके लिप्स के, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है. साथ में से जो विटामिन ई है वो डीपली नरिश करता है आपके लिप्स को एंड हाइड्रेट करता है. सो ये जो लिप सीरम है आपके लिप्स को अप टू 8 hours का हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे. हाईली पिगमेंटेड मैट कलर्स हैं ये, 8 different shades में आता है. 12 आवर्स तक का लॉन्ग लास्टिंग है इसके अंदर. ये स्मच प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है, फ्लेक प्रूफ है और बहुत कंफर्टेबल है वियर करने में. डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट यूजिंग दीज लिप सीरम्स ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज दे आर मेड सेफ सर्टिफाइड. मेड सेफ का मतलब होता है प्रूफ ऑफ नो टॉक्सिन केमिकल्स एंड पैराबेंस. तो ये 8 shades हैं, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. लाइटर टू डार्कर शेड्स एंड अमेजिंग पिगमेंटेशन है इनका. आप देखिए, मैं अपने लिप्स पे इसको लगा रही हूँ. मैंने एक पिंकी न्यूड शेड लगाया हुआ है एंड ये देखिए बिल्कुल स्मच प्रूफ है. मैं कितनी रेगुलरसली रब कर रही हूँ बट स्टिल ये बिल्कुल स्मच नहीं होते हैं. बहुत कंफर्टेबल टू वेयर है. इवन ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है. ये देखिए, मैंने अपने लिप्स पे भी आपको रब करके दिखाया है, बिल्कुल स्मच प्रूफ है. सारे प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे दिया हुआ है, यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट पर. जब भी मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेस करेंगे, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट. इसके पीछे का पर्पस ये है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं. मामाअर्थ का अपना एक ऑफिशियल ऐप भी है iOS एंड एंड्रॉइड वर्जन का. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगी. और ऐप यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हेंस गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट. So, yes, अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से बाकी के काम, जैसे कि वार्डरोब डीक्लटरिंग. पहले प्लानर फिल कर देती हूँ, उसके बाद वार्डरोब डीक्लटर करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट जो बेस्ट चीज़ हुई है ना, जो जनवरी मंथ का हुआ है, आई कम्प्लीटली फिल द प्लानर. लाइक ऐसा एक दिन नहीं हुआ होगा जिसमें मैंने अपने प्लानर को फिल नहीं किया है. लाइक अमेजिंगली मैंने सब कुछ फिल कर दिया है. सो आई एम सुपर हैप्पी अबाउट दैट. फ्रॉम ऑल थिंग्स एट वंस विदाउट थिंकिंग ट्वाइस एंड आई न्यू इट वुड कैच अप एंड दैट वी वुड बी द वंस लेफ्ट बिहाइंड. Stories I've been told, they never seem to leave my mind. This road that I am on, I gotta stay here for some time.
जो मैंने मेरे लिए सिलेक्ट करके रखे हैं, और दूसरा जो लॉट है वो ये। बाकी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें रखी हुई ना, ये सब आई एम यू नो टेकिंग आउट ऑन सेल। और उसके बाद ये जो नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, दिस मामाअर्थ का जो बॉक्स है, इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं जो मैं सेल में निकाल रही हूँ। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जो मैंने शायद एक भी बार यूज़ नहीं करे, मतलब ओपन भी किया, एकदम ब्रांड न्यू है। इवन टॉप्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने पहने ही नहीं है, ज़रूर मैंने हॉल में बताए होंगे बट अभी तक उनको पहना नहीं है, उनका मुहूर्त नहीं आया है। सो वो सारी चीज़ें भी मैं निकाल रही हूँ, और बहुत मिनिमल कॉस्ट में निकालने वाली हूँ। बट हाँ, जो मिनिमम कॉस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है 299, बिकॉज जिस ऐप में मैं ये चीज़ें जिनके साथ मैंने करा है, जिनके थ्रू मैं काम कर रही हूँ, उस ऐप में 299 से कम का आप कोई भी सामान नहीं डाल सकते हो। सो एटलीस्ट मिनिमम मुझे वो चार्ज तो रखना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई टॉप इस और सस्ते में निकालना चाहिए था, मुझे यूज्ड है, तो मैं उतने कॉस्ट में दो टॉप्स निकालने वाली हूँ, ऐसा कर दूंगी। नाउ जो नेक्स्ट टास्क है वो ये होने वाला है कि ये जितने भी टॉप मैंने निकाले हैं ना, ये इतने सारे टॉप हैं, इसमें ड्रेसेस हैं, इन सबको मैं एक एक करके पहनूंगी, और पहनने के बाद पिक्चर्स जो है जिस ऐप में मुझे डालना है वो डालूंगी। और जब मेरे कम से कम 50-30 एटलीस्ट पिक्चर्स हो जाए, तब फिर मैं उसको शेयर करूंगी अपने, या फिर मैं इसी वीडियो में नीचे लिंक डाल दूंगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते ना, तो ये बेसिक अपडेट्स मैं सारी इंस्टाग्राम पे ही डालने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, सो दैट यू नो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। ओके गाइज, तो ये सारे टॉप्स हैं जिनको पहन करके मैंने लिटरली सिंगल सिंगल एक एक पिक्चर क्लिक किया है और अपलोड किया है उस ऐप पे। तो अभी वहाँ से अप्रूवल नहीं आया है, मतलब 24 आवर्स लगते हैं उस ऐप पे अप्रूव होने में। एंड साथ ही साथ एक और कुछ प्रोसेस है, मैं उनसे बात कर रही थी कि भाई कब से मैं लाइव कर सकती हूँ, कब से मैं शेयर कर सकती हूँ, थोड़ा और अभी 5-6 दिन और लगने वाले हैं। सो दीज आर द क्लोथ्स जो कि मैंने पूरे लिस्ट करे हुए हैं ये सारे, एंड ये सब। उसके बाद ये जीन्स है, अभी भी बहुत सारे बच गए हैं, जैसे कुछ जीन्स बच गई हैं, फिर एक आध दो ये टॉप बच गया H&M वगैरह का, फिर ये सूट भी मैं लगा रही हूँ, एंड साथ में ये बीबा वगैरह का सूट है, मतलब ये मैंने आई थिंक एक बार पहना है, ऐसे कैसी नया रखा हुआ है। ये कुर्ती है, एंड ये सब चीज़ें अभी मुझे पहन करके पिक्चर्स क्लिक करनी है, फिर इनको भी मैं यहाँ डाल दूँगी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। साथ में मैंने 5-6 हैंडबैग डाले हैं, उसमें से एक हैंडबैग तो ऐसा है जिसमें लिटरली टैग लगा हुआ है, और ऐसे मैं धीरे धीरे निकालती जाऊँगी, मतलब जो भी मेरे को चीज़ें निकालनी है वो। एंड ऑल्सो आई रिसीव्ड वन ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्रॉम आर लवली सब्सक्राइबर, उनका नाम है कोमल, एंड शी हैज़ अ इंस्टाग्राम पेज एज वेल जिसका नाम है आद्या होम डेकोर। तो ये जो आप कुशन कवर देख रहे हो ना, ये होम वाला, ये मुझे उन्हीं ने भेजा था, दिस कुशन कवर ये उन्हीं ने मुझे भेजा था। उसके बाद वो जो वाइट येलो कलर का आप थ्रो देख रहे हो ना, ये भी मुझे उन्हीं ने सेंड किया था, एंड बहुत अमेजिंग कलेक्शन है उनके पास, क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप चेक ज़रूर करिएगा। मैं दिखाती हूँ, बहुत ही क्यूट सा प्लांट उन्होंने मुझे भेजा हुआ है, इनडोर प्लांट है, आई एम श्योर। मैंने उसको यहाँ पर ऐसे सेंटर में रख दिया है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन सा प्लांट है, पहले तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि रियल है कि फेक है, बिकॉज इतना ज़्यादा सुंदर है ना कि वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रियल है। सो दिस इज़ द प्लांट जिसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। एंड ऑल्सो अभी मैं जा रही हूँ अपने घर,
अपनी मम्मी से मिलने के लिए. एंड पहले मैं आज रुकने के लिए जाने वाली थी, बट अभी क्या होता है ना, इनिशियल जो मंथ होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे पास काम होता है ब्रांड रिलेटेड. सो मैं सोच रही हूँ कि एंड ऑफ द मंथ में जाऊँगी ताकि आराम से 8-10 दिन रुक सकूँ वहाँ पर. तो अभी मैं ऐसे ही मिलने के लिए जा रही हूँ मम्मी के पास. एंड मेरे पास एक हैंडबैग आया है जो कि मैं मम्मी के लिए लेकर के जा रही हूँ. ओके, सो दिस इज़ द बैग जो कि मैंने मंगवाया है फ्रॉम द ब्रांड केप्रेसी. एंड इस तरीके का कुछ दिखता है एंड काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड साइज में है. यहाँ पर पीछे आगे कोई जिप नहीं दिया है, इट्स लाइक अ टोट स्टाइल. ठीक है, टोट स्टाइल पैटर्न है. यहाँ पर एक पार्टीशन जिप दिया हुआ है, उसके बाद इसमें एक ऐसा बेल्ट भी आया है कि आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं. और काफ़ी सही साइज में है, आप देखो बहुत स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है. यहाँ पर अंदर एक जिप दिया हुआ है, तो 3 से 4 पार्टीशन अंदर दिए हुए हैं. सो यस, लेट्स गो. और उस बहाने मेरी कार ड्राइविंग भी हो जाती है, तो मैं कार भी ड्राइव करती हूँ. मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि ऑलमोस्ट डेली चला सकूँ, और डेली नहीं तो एटलीस्ट एक आध दिन या 2 दिन से ज़्यादा का गैप ना हो, मतलब ऐसा. ओके, तो मैं आ चुकी हूँ घर, और आज मेरी मम्मी का अलग टाइप का फास्ट है जिसको मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि ये कैसा फास्ट रखा है. मतलब आज मैं सुबह डेली मैं मम्मी को कॉल करती हूँ, मतलब 9 से 10 के 10:30 के बीच में एक बार सुबह हम लोगों की बात होती है, तो मैं सोच रही बात ही नहीं कर रही. फिर 12 बजे फिर लगाया, फिर बात ही नहीं कर रही. तो मैं भी देखने के लिए आई कि क्या हुआ है भाई. हाँ, तो मम्मी आपको बताएंगे कि उन्हें कौन सा बताया. तो मम्मी क्या फास्ट रखा था जिसमें आप मुँह से एक शब्द नहीं निकाल रही थी. आज है मौनी अमावस्या. इस बार ज्यादा रख लिया भाई, अकेले थे, कोई भी नहीं था बोलने वाला, तो रख लिया ज्यादा. तो इन दोनों मम्मी क्या हो गया, क्या हो गया. साल में एक बार अगर 1 घंटे भी आप चुप रहो तो आपको एनर्जी कितनी अंदर मिलती है. वाह, ये कोई बात है. दिन भर में 24 घंटे में अगर 12 घंटे में 1 घंटे भी अगर आप चुपचाप रहते हो, किसी से बात नहीं करते, तो रहती है ऐसी नॉर्मल है. तो हाँ, नॉर्मल तो रहते हैं, पर हाँ, आज मौनी अमावस्या. आज मौनी अमावस्या, 24 घंटे तो रात में सोते हैं तब का. मौनी, मैं तो वर्ड ही पहली बार सुन रही हूँ, मौनी अमावस्या. तुम्हें नहीं पता, मैं कॉलेज जाती हूँ तो 1-2 घंटे के लिए रख लेती हूँ तब. तो वही, आज मौनी अमावस्या. किस किस को पता था ये बताना जरूर, और किसने आज फर्स्ट टाइम सुना है मेरी तरह वो भी जरूर बताना. तो ये लेजी गार्डनर वालों ने प्लांट पेरेंट गिफ्ट बॉक्स भेजा हुआ है. बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ें भेजी हैं, मैं आपको बताती हूँ. एक तो ये भेजा हुआ है गार्डन टूल सेट, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. ये स्टील का है, एंड यहाँ पर ये जो इसके हैंडल है ना, वो सिरेमिक हैंडल्स हैं. वो एक इस तरीके का मैट भेजा हुआ है रिपॉटिंग के लिए, ताकि आप इसी के ऊपर रख करके रिपॉट कर सकते हो. एंड नेक्स्ट जो भेजा हुआ है वो भेजा है ये कैलेंडर, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है. शो यू, दिस इज़ द कैलेंडर. ये है कैलेंडर जिसमें बहुत अच्छे अच्छे. तो आज डिनर मैं यहीं करके जाने वाली हूँ, और मुझे यहाँ पर ना बैंगन भरवा, हमारी जो यहाँ पर कुक आती हैं, आंटी आती हैं, वो बैंगन भरवा बहुत टेस्टी बनाती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं. तो मसाले वाला होता है वो, तो वही मैं खाने वाली हूँ. तो पापा भी बैंगन लेने के लिए गए हैं. वैसे मुझे बैंगन इतना पसंद नहीं है, बट वो वाला स्पेशली डिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत सुंदर लग रहा है. ये रहा मम्मी का मैंने सूप मंगवाया है, सेम जो फ्लिपकार्ट पे मैंने दिखाया था ना, ये मेरे पास भी है और मम्मी के पास भी. आधे ज्यादा सूट अपने वैसा एकदम सिमिलर. हाँ, बहुत अच्छा लगा था मम्मी को, तो मम्मी बोलती मेरे को भी चाहिए. बाय बाय. पापा चल रहे छोड़ने चल रहे हैं छोड़ने. रीच्ड होम, लेकिन अभी तक मैं गाड़ी यहाँ पार्क नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज बहुत लिमिटेड स्पेस है एंड अभी मुझसे नहीं होता, डर लगता है मुझे. तो आई एम बैक होम, और एनीवेज मैंने ये लिप बाम लगाया है, और अभी मुझे रात में थोड़ा चलाने, मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने अकेले रात में ट्रैफिक में गाड़ी चलाया है. बट वो डर ऐसे ही जाएगा अकेले चलाने में, क्योंकि क्या होता है ना, विक्की बैठा रहता है तो मुझे ये रहता है कि हाँ अरे कुछ भी होगा तो ये तो संभाल ही लेगा. वो एक अंदर वो रहता है, और ये पूरा गाइड करता रहता है विक्की मुझे, अभी ऐसे कर लो, अभी वैसे कर लो, अभी ऐसे कर लो. ऐसे में मैं सीख नहीं पाती हूँ. तो आजकल मैं क्या कर रही हूँ, मैं विक्की को बिल्कुल घर पर बैठे रहने देती हूँ कि आप अकेले, मैं अकेले ही गाड़ी लेके जाती हूँ. दूसरा, आज मेरे पास एक और एक हैंडबैग आया है, लेट मी शो यू. सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ज़ूक.
Zook, ZOUK. सो दिस इज़ द बैग, दिस इज़ अगेन अ टोट बैग एंड काफ़ी अच्छे बड़े साइज में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लैपटॉप भी इसके अंदर आ जाएगा. एंड लुक्स क्वाइट स्मार्ट है ना, ये ऐसा डेनिम फैब्रिक का है, डेनिम फैब्रिक जैसा फैब्रिक लग रहा है, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ डेनिम फैब्रिक. अब हम इसके स्पेस की बात करते हैं, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लग रहा है. सबसे पहले आते हैं इस फर्स्ट, इसमें आप अपना छोटा मोटा कुछ भी सामान रख सकते हो, लाइक कीज वीज एंड ऑल, यहाँ पर भी सैनिटाइजर वगैरह ये सारी चीज़ें रख सकते हो. उसके बाद पीछे एक यहाँ पर जिप दिया हुआ है, दिस इज द जिप, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जिप भी, स्पेस क्वालिटी अच्छी लग रही है, मतलब इन शॉर्ट में बताऊँ तो. उसके बाद फिर हम यहाँ से ओपन करते हैं, तो ओपन करते हैं तो एक बड़ा सा इसमें स्पेस आता है, वही मैंने. और उसके बाद एक और अंदर जो आप अपना यू नो इसमें वॉलेट वगैरह रख सकते हो, ये इतना बड़ा है कि आप अंदर वॉलेट एंड अपनी सारी जो मोबाइल वगैरह एसेंशियल चीज़ें ना वो यहाँ पे रख सकते हो. सो इट्स अ बिग साइज बैग एंड इट्स अ टोट बैग, आई रियली लाइक इट. ये देखिए अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्मार्ट सा लग रहा है. तो मैंने परचेस नहीं किया है ये, मुझे ज़ोक वालों ने, इसको ज़ोक ही प्रोनाउंस करते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डू लेट मी नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे. सो उन लोगों ने मुझे ये सेंड किया है एज अ PR और बड़े वे यू कैन से दैट. बट हाँ, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है, रिव्यूज़ मेरे ही हैं तो क्वालिटी वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट इसके जो स्ट्रैप वगैरह की जो क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है एंड काफ़ी बिग साइज है. सो इफ़ यू आर अ ऑफिस गोइंग विमेन, यू कैन डेफिनेटली गेट योर हैंड ऑन दिस वन. अभी मैंने दो और बैग्स मंगवाए हैं, ये मैंने मेरे लिए नहीं मंगवाए हैं, ये मैंने गिफ्ट करने के पर्पज से मंगवाए. ओके, नेक्स्ट जो बैग है मैं वो आपको दिखाती हूँ. ओके, सो दिस इज़ द बैग, इसका ब्रांड नेम क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई है. थोड़ा सा इसका जो ये स्ट्रैप है ना ये थोड़ा थिक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो आपके पता नहीं आई डोंट नो ये स्टिक करेगा कि नहीं करेगा, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ लग बहुत ज़्यादा क्लासी रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्लासी रहा है. तो यहाँ पर एक मेन जो जिप है वो है एंड अंदर आप इसमें स्पेस देखो भाई, मतलब कितना ज़्यादा स्पेस है. स्पेस देखिए, एक यहाँ पर ये पार्टीशन दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो. आई मीन यू कैन कीप लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स. ये देखिए यहाँ पर आप रख सकते हो, यहाँ पर एक पार्टीशन है, ये एक जिप दिया हुआ है, आप अपना पैसा छुपा सकते हो यहाँ पे, यहाँ पर एक स्पेस दिया है एंड देन उसके बाद इधर पे भी स्पेस दिया हुआ है. ये यहाँ पर एक पीछे जिप दिया हुआ है, ठीक है, ये एक जिप है, उसके बाद एक जिप यहाँ दिया हुआ है. ये भी ऐसा नहीं कि सिर्फ शो के लिए दिया है, स्पेस है भाई यहाँ पे, आप सैनिटाइजर वगैरह टिशू विशू ऐसी जो बेसिक चीज़ें होती है जो फट से चाहिए रहती है वो आप रख सकते हो. यहाँ पर भी एक और जिप दी हुई है. सो इट इज़ लुकिंग वेरी स्मार्ट, मतलब आप ऐसे देखो, दिस इज़ द सेकेंड बैग, ये भी बहुत सही है, बहुत ही ज़्यादा सही है. मतलब इफ़ यू आर समवन जिसको ब्लैक बैग ही पसंद आते हैं मेरी तरह, तो ये बहुत सही लगेगा आपको भी. फर्स्ट पार्टीशन है वो है ये सेंटर वाला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलेगा ये इधर पे, उसके बाद इधर पे आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिलेगा. इधर पे दी हुई है, काफ़ी सही दिख रहा है ये, स्टाइलिश ये, दिस कीप लॉट ऑफ थिंग हेयर, यहाँ पर भी आप काफ़ी सारी चीज़ें, मेकअप पूरी एक किट रख सकते हो आप. सारे बैग्स की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर इन केस आपको लेना हो तो. ठंड में रात में फेस वॉश करने के 4 बार पहले सोचना पड़ता है कि भाई पानी लगाएं शक्ल पे कि नहीं लगाएं. जब बहुत ज़्यादा ठंड थी ना, 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तब तो मैं फेस वॉश भी नहीं करती, लॉक कर दिया ना बाहर. हाँ, तो रात में हमारी ड्यूटी होती है लॉक वॉक करके, गेट बंद कर दो और फटाक से स्किन केयर करती हूँ. और मतलब थैंकफुली ये जो हमारा सिंक है ना, ये मेरे फादर इन लॉ ने हमारे ऊपर भी, मतलब जो जिसमें मेरे इन लॉज रहते हैं उस वाले घर में भी ये सिंक यही इसी पोजीशन पे है और यहाँ नीचे भी ये सिंक इसी पोजीशन पे है. इनफैक्ट जो किचन है ना उसके बाहर निकलते से ही एक और सिंक है, मतलब इतने सिंक है. मैं विक्की को ऐसी मज़े ले रही थी कि पापा जी को पहले पता चल गया था कि क्योंकि कोविड टाइप की चीज़ आएगी तो गुस्से से हर जगह, हर 15 साल पहले हर जगह हाथ धोने के लिए सिंक बना के रखे, मतलब बाथरूम में भी है, इधर पे भी है, उधर पे भी है, बहुत वॉश बेसिन है भाई इस घर में. आज का जो ब्लॉग है वो खत्म करते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.